तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस ट्यूशन सीके सर में, और मैं हूं चंद्रफुल सर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सारणी प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न संख्या 8। तो कहता है कि गुण धर्मों का प्रयोग करके इसे हमें साबित करना है, इतना बराबर इतना, मतलब LHS बराबर RHS। चलिए, यदि अभी तक आपने इस सारणी का पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले पिछला वीडियो देख लीजिए, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से जाकर देख लीजिए, जिससे आपको सारणी में कहीं भी दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात और बोल दूँ कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाल बटन को दबा के अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आइए दोस्तों, इस क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न कहता है कि मोड़ दे दिया है इतना और बराबर साबित करना है, यानी हम लोग को LHS बराबर साबित करना है RHS। तो आइए दोस्तों, हम लोग LHS से चलते हैं। तो LHS में आपको दिया हुआ है, LHS से चलेंगे तो 1AA² 1BB² 1CC² है ना। अब दोस्तों, हम लोग यह देखते हैं कि हमें साबित क्या करना है। अरे भैया, हम लोग देखते हैं कि हमें साबित क्या करना है। तो देखिए, तो यही ना साबित करना है, यानी लाना है A-B, B-C। तो हम लोग LHS में क्या करेंगे कि A-B आ जाएगा, B-C आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, यदि हम लोग R1 में से R2 घटाते हैं तो A-B, यानी A-B आ जाएगा, और B-C चाहिए तो R2 में से अगर R3 को घटाएंगे तो B-C आ ही ना जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग चेंज कर देते हैं, R1 को चेंज कर देते हैं, तो R1 घटाओ R2 तथा R2 को चेंज कर देते हैं तो R2 घटाओ R3 हो जाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए, अब R1 को चेंज कर रहे हैं तो सभी R1 को चेंज कर देंगे, यानी R1 के जगह पे मान बदल जाएगा, आता हो जाएगा, देखिए 1 में से 1 चल जाएगा 0, 1 में से 1 चल जाएगा 0 और 1, यानी R3 को लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, तो 1CC², जिसको चेंज नहीं करेंगे उसको वैसे ही लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए तो A-B हो जाएगा, A-B, और यहाँ हो जाएगा B-C। दोस्तों, यहाँ हो जाएगा A²-B², और यहाँ हो जाएगा B²-C². अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए तो एक स्टेप और आगे बढ़ जाइए, तो A-B, यहाँ देखिए A²-B², इसका फार्मूला होता है A-B (A+B). अब यहाँ देखिए 0 है तो 0, यहाँ B-C और यहाँ B²-C², तो B+C (B-C). अब देखिए R3 को चेंज नहीं कर रहे थे, इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब दोस्तों क्या करना है, हमको A-B लाना है RHS में ना, RHS में हमें क्या लाना है, A-B। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या करेंगे भाई, कॉमन हम लोग देख रहे हैं कि R1 से क्या कॉमन है, A-B, इसमें भी A-B है, यानी लिखेंगे R1 से A-B एवं R2 से B-C लिखेंगे, कॉमन करने पर। तो दोस्तों, जब हम लोग कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए तो बाहर आ जाएगा A-B, है ना, ध्यान दीजिए बाहर आ जाएगा A-B, B-C। तो देखिए यहाँ बचेगा 0, यहाँ तो A-B से कॉमन ले लिए हैं तो 1 बचेगा, यहाँ भी A-B कॉमन ले लिए हैं तो क्या बचेगा, A+B, तो A+B, यहाँ देखिए 0 है तो 0, यहाँ B+C कॉमन ले लिए हैं तो 1, यहाँ B-C कॉमन ले लिए हैं तो 1, और यहाँ भी B-C यहाँ से बाहर निकाल दिया है इससे, तो केवल बचेगा B+C। अब दोस्तों देखिए 1CC², इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब आगे देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए क्या है, A-B (B-C). अब दोस्तों, हम आपको बताए थे कि यदि किसी सारणी के एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ के दो अवयव शून्य हो जाते हैं तो बचे हुए तीसरा अवयव को लेकर हम लोग सारणी का मान प्राप्त कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ हो जाएगा A-B। तो देखिए, इस स्तंभ के दो अवयव क्या है, 0 है तो 0 है तो बचा हुआ है 1, यानी इसको लेकर हल करेंगे। तो चलिए 1 को लेंगे तो मोड डाल देते हैं, तो 1 के लेंगे तो ए बंद हो जाएगा, पंक्ति बंद हो जाएगा और इसके आमने सामने वाला बंद हो जाता है, और जो बचता है वही ना लिखा जाता है,
यानी लिखा जाएगा 1 a plus b, फिर बचेगा 1 b plus c। दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे। तो देखिए a minus b into b minus c, और 1 से गुना करेंगे तो यही ना रह जाएगा। अब देखिए क्रॉस गुना, पहले मुख्य विकर्ण में यानी पहले इसको गुना करते हैं, तो b plus c, इसके बाद घटाव का चिन्ह देके और इसको गुना यानी a plus b। तो अब देखिए तो दोस्तों क्या हो जाएगा, से a minus b b minus c into b plus c, अभी माइनस से गुना हो जाएगा तो माइनस a और माइनस b हो जाएगा। देखिए तो माइनस b और प्लस b कट गया, तो क्या बचेगा a minus b into b minus c into देखिए c minus a, c minus a। दोस्तों यही आ गया आपका r h s। देखिए कितना आसानी से हम लोग बना लिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही सरल तरीका से समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है। तो दोस्तों आठवां के दूसरा प्रश्न कहता है डिटरमिनेंट्स मतलब सारणी कितना बराबर इतना साबित करना है। तो हम लोग क्या देखते हैं, जो हमें साबित करना होता है ना उसी को हम लोग देखते हैं। तो आइए देखिए तो क्या यहाँ पे है ए माइनस बी बी माइनस सी, यानी हमको लाना है a माइनस बी और b माइनस a माइनस बी और b माइनस सी, है ना। तो दोस्तों हम लोग एलएचएस से चलेंगे। तो देखिए तो एलएचएस में क्या कह रहा है दोस्तों, एलएचएस में दिया हुआ है 1 1 1 a b c, a q b q c q। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, से हमें लाना है a माइनस बी b माइनस सी, तो a माइनस b लाना है तो क्या होगा, देखिए दोस्तों किसमें से किसको घटाना पड़ेगा, तो a माइनस बी लाना है यानी हम लोग इसको c1 c2 c3 यानी हमको c1 घटाओ c2 करना होगा तब ना a माइनस बी होगा। तो c1 को चेंज करना होगा, तो लिखेंगे कि c1 को चेंज कर देते हैं, तो c1 घटाओ c2 तथा अब देखिए b माइनस सी भी तो लाना है, तो b माइनस सी यानी b c2 को चेंज करना होगा दोस्तों। तो जब c2 को हम लोग चेंज करेंगे तो c2 घटा c3, अब क्या हो जाएगा ध्यान दीजिए यहाँ पर, देखिए तो c1 को चेंज कर रहे हैं यानी सब c1 चेंज होगा, तब इसको में से इसको घटाना है, तो 1 में से 1 चला जाएगा 0, अब a माइनस बी हो जाएगा तो a माइनस बी, aq माइनस bq, aq माइनस bq। अब दोस्तों c2 को भी हम लोग चेंज कर रहे हैं तो c2 भी चेंज होगा, तो ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, से e में से चल जाएगा तो 1, तो 1 में से 1 चल जाएगा 0 ना, तो 0, अब b माइनस c हो जाएगा तो b माइनस c। अब ध्यान दीजिए bq माइनस cq, यहाँ हो जाएगा bq माइनस cq, हम लोग c3 को तो चेंज नहीं कर रहे हैं तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब दोस्तों देखिए तो हम एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं, तो आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 0 है तो 0 0 1 0 0 1। अब देखिए क्या होगा, a माइनस बी है तो a माइनस बी, b माइनस सी है तो b माइनस सी, यहाँ c है थोड़ा इसे हट के लिखते हैं, c है तो c लिख दिया। और देखिए aq माइनस bq, तो इसका फार्मूला मैं आपको बताया था कि a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, इसे थोड़ा और हट के लिख देते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा b माइनस सी। अब दोस्तों देखिए तो क्या होगा, bq माइनस cq, तो इसका भी फॉर्मूला आएगा b माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। अब देखिए cq है तो cq लिख दिया हमने, अब क्या करेंगे, हमको लाना है a माइनस बी ना, तो हम लोग क्या करेंगे कॉमन करेंगे, ध्यान दीजिए इससे देखिए c1 से a माइनस बी कॉमन है, जीरो में तो सब रहता है, a माइनस बी यहाँ भी a माइनस बी, तो a माइनस बी कॉमन ले लेंगे। तो आइए दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ लिखेंगे c1 से a माइनस बी एवं c2 से b माइनस सी क्या करने पर कॉमन लेने पर, तो क्या हो जाएगा दोस्तों ध्यान दीजिए, तो a माइनस बी इससे ले लेंगे तो बचेगा a माइनस बी बाहर ले लिया, चलिए इससे लेना है b माइनस सी, चूंकि यहाँ भी b माइनस सी और यहाँ भी है b माइनस सी, तो b माइनस सी, तो क्या बचेगा इसके पास, देखिए 0 1 0 1 आगे का बचेगा a स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी। और देखिए जीरो वन जीरो वन और यहाँ बचेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। अब यहाँ बचेगा तो वन सी सी क्यूब, इसको ऐसे ही लीजिए। दोस्तों मैं आपको बताया या इसके पहले मैंने भी बताया कि यदि किसी भी सारणी के कोई एक पंक्ति या एक स्तंभ के दो अवयव शून्य हो जाए तो बचे हुए तीसरा अवयव को लेकर हम लोग सारणी का मान प्राप्त कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। तो देखिए इस पंक्ति का दो अवयव जीरो हो गया, एक बच गया, तो इसी को लेकर केवल हल कर देंगे आपका आर एच एस आ जाएगा। तो ए माइनस बी बी माइनस सी, अब देखिए वन को लेंगे तो वन को लेंगे तो मोडल डाल देते हैं तो ए बंद कर लेंगे यानी कि हमें समझ वाला बंद हो जाता है, तो ये बंद हो जाएगा जो भी बदल से मोड में लिख देते हैं। तो वन वन ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ ए बी। दोस्तों अब यहाँ क्या हो जाएगा ध्यान दीजिए, और बड़ा बड़ा लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ बचेगा वन और ये हो जाएगा बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर जोड़ बी सी। अब ध्यान दीजिए ए माइनस बी बी माइनस सी, दोस्तों वन से गुना करेंगे तो क्रॉस गुना हो जाता है, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। इसका घटाव के चिन्ह देते हैं, अब इसमें गुना कर देते हैं तब घटाव हो जाएगा ए स्क्वायर, घटाव हो जाएगा बी स्क्वायर, अब घटाव हो जाएगा ए बी। अब दोस्तों देखिए तो बी स्क्वायर माइनस में और बी स्क्वायर प्लस में कट गया, तो अब क्या होगा ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू, यहाँ देखिए सी स्क्वायर और ए स्क्वायर को एक तरफ करेंगे तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब बी सी और ए बी को एक तरफ करेंगे तो प्लस बी सी और माइनस ए बी। अब दोस्तों देखिए ध्यान से ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, अब इसका हम लोग फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो सी प्लस ए सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए। अब क्या हो जाएगा प्लस है तो प्लस, देखिए तो दोनों में क्या कॉमन है तो बी कॉमन है तो बच जाएगा सी माइनस ए। अब दोस्तों ध्यान दीजिए ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू, एक मिनट देखिए सी माइनस ए और इसमें भी है सी माइनस ए तो कॉमन तो हो रहा है ना, तो कॉमन ले लेंगे सी माइनस ए, तो क्या बचेगा इसके पास देखिए यहाँ बचेगा ए प्लस सी ए प्लस सी और यहाँ बचेगा केवल प्लस बी। दोस्तों आपका आर एच एस बिल्कुल मिल गया, तो ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी, इसी को दर्शा कर हम लोग लिख सकते हैं सजा के, बराबर हो गया आर एच एस। दोस्तों खुद हो गया, तो दोस्तों आप इसे नोट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है। तो दोस्तों नवा प्रश्न कहता है इतना सारणिक बराबर एल एच एस बराबर आर एच एस, ये भी साबित करना है गुणधर्म का प्रयोग करके। तो देखिए तो यहाँ पे हमें यही ना साबित करना है, तो क्या करेंगे हम लोग देखते हैं कि हमें साबित क्या करना है वही ना हम लोग देखते हैं। तो हमें साबित करना है x माइनस वाई वाई माइनस जेड, तो सबसे पहले इधर लाना होगा x माइनस वाई वाई माइनस जेड। तो x माइनस वाई और y माइनस जेड लाने के लिए हमको क्या करना होता है कि दो अवयव को जीरो करना होता है किसी भी पंक्ति या किसी भी एक स्तंभ के। तो देखिए जीरो करने के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, जरा सा ध्यान दीजिए। तो एल एच एस से चलेंगे तो एल एच एस में क्या है x x स्क्वायर वाई जेड y y स्क्वायर जेड एक्स जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई, दोस्तों यही ना है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं अगर इसमें x से गुना कर दें तो यहाँ एक्स वाई जेड, अब इसमें y से गुना कर दें तो एक्स वाई जेड, अब इसमें अगर z से गुना कर दें तो एक्स वाई जेड, यानी एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड हो जाएगा। और हम लोग एक्स वाई जेड क्या कर लेंगे कॉमन आराम से कर लेंगे, तो लिखेंगे आवन को चेंज कर देते हैं तो क्या कर देते हैं दोस्तों इसमें x से गुना कर देंगे x r1 तथा r2 को भी चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा y r2 तथा r3 को भी चेंज कर देते हैं तो z r3। अब क्या हो जाएगा यानी इसलिए
एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड बटा एक्स वाई जेड। अब इसको दोस्तों लिखने से क्या होगा, ये कट जाएगा फिर वही आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए एक्स वाई जेड को लोग गुना करते हैं तो ये यहाँ पे नहीं रहेगा अतः ऊपर में कौन वन बचेगा। दोस्तों देखिए अपना आंसर चूंकि एक्स वाई जेड से गुना किया है तो ऊपर भी एक्स वाई जेड, नीचे भी एक्स वाई जेड कट जाएगा, एक और एक से गुना होगा फिर यही आ जाएगा। तो आइए अब देखिए क्या हो जाएगा, एक्स से गुना करना है पूरा में तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा और एक्स वाई जेड हो जाएगा। अब इसमें वाई से करना है तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, वाई क्यूब हो जाएगा और एक्स वाई जेड हो जाएगा। इसमें जेड से करना है तो जेड स्क्वायर जेड क्यूब एक्स वाई जेड हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करना है, देखिए तो एक्स वाई जेड किससे कॉमन है भाई, तो सी थ्री से एक्स वाई जेड कॉमन है तो लिखेंगे सी थ्री से एक्स वाई जेड क्या करने पर, कॉमन करने पर। तो दोस्तों जब हम लोग कॉमन कर लेंगे तो आ जाएगा एक्स वाई जेड और बटा नीचे है एक्स वाई जेड बटा, देखिए इससे कॉमन लिए हैं बाकी सब को ऐसे ही लिख लेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, यहाँ बचेगा एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, यहाँ बचेगा वन वन वन। क्यों, क्योंकि हम लोग तो कॉमन ले लिए हैं ना। तो आइए अब क्या होगा, देखिए अब हम लोग दो को जीरो करेंगे दोस्तों, देखिए ये कट जाएगा तो एक और एक से गुणा का फिर यही आ जाएगा। तो अब देखिए वन वन आ गया, हम लोग जीरो कर सकते हैं तो हमको लाना है एक्स माइनस वाई, तो इसमें से इसको घटा देंगे तब ना आएगा। तो क्या करेंगे, चेंज करेंगे किसको, आर वन को चेंज कर देंगे तो आर वन घटाओ आर टू तथा आर टू को चेंज कर देंगे तो आर टू घटाओ आर थ्री। तो दोस्तों आइए अब देखिए तो आगे क्या हो जाएगा, से यहाँ देखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जब चेंज करेंगे तो देखिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और देखिए ये हो जाएगा वन में से वन चला जाएगा तो जीरो, यहाँ देखिए वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, यहाँ जीरो, यहाँ बचेगा जेड स्क्वायर, यहाँ बचेगा जेड क्यूब, यहाँ वन। दोस्तों अब हम मैं आपको बताया था कि यदि किसी भी सारणी के एक पंक्ति या एक स्तंभ के दो अवयव शून्य हो जाते हैं तो बचे हुए तीसरा अवयव को लेकर हम लोग सारणी का मान प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिए ये बच गया है अब इसको लेकर, लेकिन इससे पहले हम क्या करेंगे, कॉमन कुछ आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे। तो आइए दोस्तों क्या करना, ध्यान दीजिए देखिए इससे या फिर चले जा रहा है यही कर देते हैं तो वन को लेंगे, वन ले लेंगे, देखिए ये बंद हो जाएगा और ये बंद हो जाएगा तो बचेगा क्या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, यहाँ बचेगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और यहाँ बचेगा वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब। दोस्तों अब हम लोग इसको क्या करेंगे, क्रॉस गुना कर देते हैं तो क्रॉस गुना करेंगे तो क्या मिलेगा भाई, वन से गुना करेंगे तो यही रहेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू, देखिए तो वाई क्यू माइनस जेड क्यूब और घटाव का चिन्ह बन जाता है, अब इसमें गुना हो जाता है तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और इंटू हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब होगा ना। और ध्यान दीजिए इसको हम लोग तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, इसको भी तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा वाई माइनस जेड इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड माइनस, इसको तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो वाई माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड इंटू, इससे भी तोड़ देंगे तो एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। आगे देखिए यहाँ पर एक्स माइनस वाई यहाँ भी है और यहाँ भी है एक्स माइनस वाई, दोस्तों हम लोग कॉमन कर लेंगे एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड यहाँ भी है और यहाँ भी वाई माइनस जेड है तो वाई माइनस जेड हम लोग कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा इसके पास, ध्यान दीजिए एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड कॉमन किए तो बचेगा एक्स प्लस वाई
इनटू ये बचेगा y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस yz माइनस इसके पास क्या बचेगा भाई तो देखिए तो इसके पास क्या बचेगा से y माइनस z कॉमन कर दिए x माइनस z कॉमन कर दिए तो बचेगा y प्लस z इनटू ये बचेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस x यही बचेगा अब हम लोग इसको क्या करेंगे ध्यान दीजिए तो दोस्तों गुणा करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा ध्यान दीजिए यहां से तो x माइनस y है तो x माइनस y y माइनस z है तो y माइनस z इनटू x से पहले ही गुणा कीजिए तो क्या हो जाएगा x y स्क्वायर x z स्क्वायर प्लस x y z अब ध्यान दीजिए y से करेंगे तो क्या हो जाएगा y क्यूब अब इसमें करेंगे तो प्लस y z स्क्वायर प्लस y स्क्वायर z और माइनस है तो माइनस इनटू y से कीजिए तो y स्क्वायर प्लस y क्यूब प्लस x y स्क्वायर अब z से गुणा कर दीजिए तो z x स्क्वायर प्लस z y स्क्वायर प्लस x y z अब दोस्तों क्या करेंगे हम लोग माइनस है तो माइनस से गुणा कर देंगे तो सब कुछ हो जाएगा देखिए प्लस में है तो सब जगह माइनस में अतः यहाँ भी माइनस हो जाएगा 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 यहाँ भी और यहाँ भी माइनस हो जाएगा ध्यान दीजिए अब लोग काटेंगे तो देखिए तो एक सौ आई डेट प्लस में तो एक सौ आई यहाँ दिया है माइनस में कर गया यानी प्लस माइनस कट गया तो वाई क्यू यहाँ प्लस में है वाई क्यू यहाँ पर माइनस में कट गया देखिए एक सौ आई स्क्वायर और है x y स्क्वायर नहीं है तो x z स्क्वायर तो देखिए तो x z स्क्वायर है x z स्क्वायर नहीं है अब देखिए y z स्क्वायर तो देखिए तो y z स्क्वायर नहीं है अब देखिए y स्क्वायर z तो y स्क्वायर z y स्क्वायर z देखिए y स्क्वायर z y स्क्वायर z और यहां दिया क्या y स्क्वायर z तो ये कट गया दोस्तों x y स्क्वायर तो x y स्क्वायर तो है नहीं कहीं पर देखिए है यहां पर x y स्क्वायर माइनस में यहां है x y स्क्वायर प्लस में कट गया अब देखिए तो x z स्क्वायर y सॉरी x z स्क्वायर तो और कहीं है x z स्क्वायर नहीं है यानी कि अब नहीं कटेगा तो लिखेंगे x माइनस y y माइनस z इनटू ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या बचेगा x z स्क्वायर यहाँ पर क्या बचेगा प्लस y z स्क्वायर माइनस y x स्क्वायर और क्या बच गया है माइनस z x स्क्वायर दोस्तों अब हम लोग इसमें क्या करेंगे थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ तो दोस्तों देखिए यहाँ पर x माइनस y है तो x माइनस y माइनस z अब दोस्तों ध्यान दीजिए x z स्क्वायर यहाँ है ना और यहाँ है z x स्क्वायर इन दोनों को एक जगह करेंगे तो क्या हो जाएगा x z स्क्वायर और माइनस z x स्क्वायर और इन दोनों को एक जगह करेंगे तो y z स्क्वायर माइनस y x स्क्वायर अब क्या हो जाएगा ध्यान दीजिए x माइनस y y माइनस z इनटू इन लोग में से z x कॉमन है तो z x हम लोग बाहर कर लेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा देखिए तो यहाँ पर ध्यान दीजिए तो जेड एक्स कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच जाएगा जेड यहाँ बचेगा माइनस एक्स और देखिए इसमें क्या है कॉमन है तो वाई कॉमन है तो प्लस वाई कॉमन ले लिए तो बचेगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अब क्या हो जाएगा देखिए तो यहाँ पर यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड देखिए वाई माइनस जेड और इंटू देखिए यहाँ पर एक मिनट z माइनस एक्स और इसे निकलेगा z माइनस एक्स तो z माइनस एक्स तो दोस्तों इसके पास क्या बचेगा जेड एक्स बचेगा प्लस है तो प्लस y इंटू इसके बाद बचेगा z प्लस एक्स क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस b इंटू a माइनस b तब माइनस वाला तुमने निकाल लिया तो बचेगा ना प्लस वाला तो इसके पास क्या बचेगा दोस्तों ध्यान दीजिए यहाँ पर तो जेड प्लस एक्स बच जाएगा इसके पास आइए और एक स्टेप और बढ़ जाते हैं तो x माइनस वाई ना यहाँ नहीं नजर आ रहा है आपको तो थोड़ा यहाँ देख लीजिए आइए देखिए x माइनस वाई वाई माइनस जेड
तो x माइनस y इनटू y माइनस z इनटू z माइनस x, z माइनस x पहले z x तो z x प्लस दोस्तों y से दोनों में गुना है तो गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा y z प्लस y x आपका बिल्कुल आंसर आर एस में आ गया है दोस्तों। तो x माइनस y हम लोग सजा इसको लिख सकते हैं y माइनस z z माइनस x इनटू x y माइनस y z माइनस z x सॉरी प्लस ऐसा। तो आर एस में यही दोस्तों आपको लाना था जो कि आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न को और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है। आप इसे नोट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों दसवां प्रश्न कहता है कितना बराबर इतना साबित करना है एलएचएस बराबर आरएचएस यही साबित करना है। तो मैं आपको पहले बताया कि हम लोग वो चीज को ढूंढते हैं जो हमें साबित करना होता है। तो आइए देखते हैं क्या साबित करना है। तो 5x प्लस 4 साबित करना है और माइनस इंटू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो हम लोग ढूंढेंगे कि 5x प्लस 4 भाई आएगा कैसे। तो दोस्तों देखिए कैसे आएगा से हम लोग को एलएचएस में क्या करना होगा कि आएगा तो जोड़ के पूरा को देखते हैं तो 2x 4 और 1 5x आ गया प्लस 4 तो 5x प्लस 4 आ गया। इसको भी जोड़ते हैं तो आ जाएगा इसको भी जोड़ते हैं पूरा को तो आ जाता है 5x प्लस 4 यानी हम लोग एलएचएस से चलेंगे। तो दोस्तों एलएचएस से चलेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4 2x 2x और x प्लस 4 दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे चेंज करेंगे तो r1 को चेंज कर देते हैं तो r1 जोड़ r2 जोड़ r3 यानी जब हम लोग ऐसे भी जोड़ते हैं स्तंभ को भी जोड़ते हैं तो भी आ जाता है 5x प्लस 4। तो दोस्तों जोड़ देते हैं हम तो देखिए तो क्या हो जाएगा से यहाँ पर जोड़ दीजिए तो 5x प्लस 4 हो जाएगा। आर वन को चेंज कर रहे हैं तो इसको चेंज कर रहे हैं तो आर वन सब चेंज हो जाएगा और इसको जोड़ के लिख देना है यहाँ भी हो जाएगा 5x प्लस 4 और यहाँ भी हो जाएगा 5x प्लस 4 क्योंकि इसको पूरा भी जोड़ के यहाँ लिख देना है इसको जोड़ के यहाँ लिख देना है और इसको जोड़ के यहाँ लिख देना है और बाकी सबको ऐसे ही लिख देना है तो 2x x प्लस 4 2x यहाँ हो जाएगा 2x 2x x प्लस 4 दोस्तों अब कॉमन है ना कॉमन आ जा रहा है तो लिखेंगे r1 से 5x प्लस 4 कॉमन लेने पर तो दोस्तों क्या हो जाएगा 5x प्लस 4 जब हम लोग बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा भाई 1 1 1 यहाँ बचेगा 2x x प्लस 4 2x यहाँ होगा 2x 2x x प्लस 4 अब क्या हो जाएगा हम लोग को केवल दो के जीरो कर देना है ना। तो आइए दो के जीरो कर देते हैं हम लोग अवयव को तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ करेंगे c1 को चेंज कर देंगे तो c1 घटाओ c2 तथा c2 को चेंज कर देंगे तो c2 घटा हो जाएगा c3। तो दोस्तों देखिए 5x प्लस 4 इंटू चेंज करेंगे तो e घटा भी तो 0 अब e घटा भी तो यहाँ 0 e बचेगा 1 अब इसको चेंज नहीं कर रहे हैं 2x और x प्लस 4 दोस्तों इसको में से इसको घटा लेना है तब 2x में से घट जाएगा तो हो जाएगा x माइनस 4 इसमें से ही घट जाएगा तो हो जाएगा पता है कितना 4 माइनस 6 अब यहाँ इसमें से घटेगा तो 0 हो जाएगा यहाँ पर और इसमें से घट जाएगा x माइनस 4 जाएगा। चलिए आइए दोस्तों आगे देखते हैं इसको और अच्छा से लिख देते हैं नीचे तो यहाँ जाएगा 0 यहाँ जाएगा x माइनस 4 हमको लाना है देखिए 4 माइनस x के प्लस में 5x प्लस 4 लाना था तो आ गया अब हमें लाना है क्या लाना है 4 माइनस x का होल स्क्वायर। तो दोस्तों 5x प्लस 4 इंटू देखिए तो क्या हो जाएगा से 0 0 1 है तो 1 है लिख दिया हमने। अब देखिए यहाँ 4 माइनस एक्स लाना है तो कॉमन माइनस ले लेंगे तो होगा 4 माइनस एक्स यहाँ तो 4 माइनस एक्स है ये है ना 0 यहाँ भी कर देंगे माइनस कॉमन लेंगे 4 माइनस एक्स यहाँ 4 सॉरी एक्स प्लस 4 और यहाँ क्या है 2x। अब देखिए जो अवयव बचता है उसको लेकर हम लोग क्या कर लेते हैं सारे का मान प्राप्त कर लेते हैं
तो देखिए ये बच गया है, इसका तो है 0, इसको लेंगे तो ये खत्म और ये खत्म हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा दोस्तों 1 को लेंगे तो बचेगा -4 -x 4 -x 0 -4 -x। अब क्रॉस गुना तो 5x 4 इसमें इसे गुना होगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस तो 4 -x का हर अंश है और इसे गुना होगा तो 0। अब आगे ध्यान दीजिए तो 5x 4 4 -x का हर अंश है 0 है तो 0 बराबर आ गया RHS दोस्तों यही हमें साबित करना था। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छी ढंग से समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।